हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया हो गए। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम KMS बस का रिव्यू करने जा रहे हैं। गाइस आप लोग देख ही सकते हो इस मोड को आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपने गेम के अंदर ऐड करना है और कैसे इसकी लाइब्रेरी ऐड करनी है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें गाइस ऐसे न्यू गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप लोग इसका रिव्यू देख लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बस आप लोगों को ये देखने को मिल जाती है एंड रियलिस्टिक ग्राफिक भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आप लोगों को फ्री लाइटिंग देखने को मिल जाती है और गाइस एकदम लग्जरी और मॉडिफाई बस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग गाइस देख सकते हो। और इसका इंटीरियर की बात करें तो भाई इंटीरियर एकदम रियलिस्टिक इंटीरियर आप लोगों को देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी आप लोगों को मॉडिफिकेशन सब कुछ देखने को मिल जाता है गाइस। तो एकदम बढ़िया मोड होने वाला है। तो गाइस इस मोड को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने जाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में अंदर आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उसी के अंदर आप लोगों को पासवर्ड भी मिलेगा और उसी वीडियो के अंदर डाउनलोड लिंक भी होगा। तो सब कुछ आप लोगों को आगे बता रहा हूँ, आप लोगों ने सबसे पहले कमेंट में जाना है और वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है। तो गाइस अभी इस मोड को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने करना क्या गाइस, उससे पहले आप लोगों को यार अगर कोई नॉइस वगैरह आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बिना माइक के यार वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को कोई नॉइस आए, बट आप लोग मैनेज करना ठीक है। तो अब डाउनलोड करने के लिए गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक मोर बटन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मोर का बटन है, इसको ओपन करना है। और उसके बाद गाइस आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद गाइस आप लोगों को एक और मोर बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मोर बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस इस मोड को बनाया है मतलब SPG गेमिंग ने ठीक है, जो ये वीडियो आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे, इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को इसका पासवर्ड मिलने वाला है और इसी भाई ने इस मोड को जो है बनाया है, तो क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है। तो हम डाउनलोड करेंगे और देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये मोड लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो ये बस मोड है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप लोगों को इसकी लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों ने एक बार क्लिक करना है और इस पर जैसे क्लिक करते हो तो गाइस आपके सामने जो है एक नया वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो अभी देख सकते हो हमारा वेबसाइट यहाँ पे लोडिंग हो रहा है एंड गाइस उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक क्रिएट डाउनलोड लिंक का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है क्रिएट डाउनलोड। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ सेकंड आप लोगों को ये देख सकते हो यहाँ पे ये वेट मांग रहा है ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों ने। और उसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड लिंक इज़ रेडी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक स्टार्ट डाउनलोड का, देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है एंड उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक ऐड आ चुकी है तो ऐड को यहाँ से हम स्किप कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऐड है यहाँ से कट हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे एक ऐड और ओपन हो रही है तो आप लोगों ने साथ ही साथ अपने फ़ोन का बैक बटन प्रेस कर देना है और जैसे बैक बटन प्रेस करोगे गाइस तो अभी आप लोगों ने एक दो बार ट्राई करना है, फिर से देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा KMS बस मोड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हम इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं और देख सकते हो डाउनलोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। तो अभी थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाता है और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, एम है हमारा 50 लाइक का, तो प्लीज़ कम्प्लीट करवाना यार इस वीडियो को। तो हमारा फाइनली बस मोड डाउनलोड हो चुका है, अब हम चलते हैं फिर से बैक, यहाँ से सीधा बैक चलेंगे हम ठीक है। तो हम इसकी लाइब्रेरी भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सभी लाइब्रेरी मिल जाएंगी। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो फिर से वही वेबसाइट यार ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ टाइम सेकंड आप लोगों ने वेट कर लेना है और उसके बाद फिर हमारा एक नया लिंक ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड लिंक इज़ रेडी, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है देख सकते हो स्टार्ट डाउनलोड का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड साथ के साथ इसके स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करते ही आप लोगों ने देख सकते हो हमारी जो फाइल है यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है और डिटेल में जाके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ गाइस। तो अभी देख सकते हो हमारा लाइब्रेरी पैक भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और गाइस इस मोड का जो पासवर्ड है भाई, तो पासवर्ड आप लोगों को उस वीडियो में मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा पासवर्ड। तो आप लोग अगर चाहो, ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा मस्त एडिटिंग की हुई है तो आप लोग इस वीडियो को फुल भी वॉच कर सकते हो। अगर फुल वॉच नहीं करनी है तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मैं आप लोगों को एक मिनट दिखा देता हूँ। तो यहाँ से लेके ना गाइस देख सकते हो यहाँ पे 8 से ले लो आप, 8 मिनट की वीडियो के आगे बाद आप लोग जो भी वीडियो देखोगे उसके अंदर आप लोगों को पासवर्ड मिल जाएगा, मतलब 8 से 9 के बीच आप लोगों ने
इस वीडियो को देखना है और इसके अंदर आप लोगों को पासवर्ड मिलेगा। तो आप लोगों ने पासवर्ड देख लेना है। और चलिए अभी आप लोगों ने डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम गाइस जेड अचीवर है, और इसको आप लोगों ने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक डाउनलोड का फोल्डर देखने को मिलेगा, तो इसको ओपन कर लेना। तो अब इसको ओपन करोगे तो गाइस जो मोड आप लोगों ने डाउनलोड किया है वो आप लोगों को इस फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो हमारा मोड कहाँ पर है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही मोड आ चुके हैं। ये है हमारा बस मोड और ये है उसकी लाइब्रेरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस मोड को, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है एक बार और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है गाइस। और अभी यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड मैंने बता दिया है कि 8 से 9 मिनट के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोगों ने देखनी है और उसके अंदर पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि गाइस यार कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू हो जाता है बाद में, क्योंकि ये मोड उन्होंने बनाया है तो उनका क्रेडिट जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर सकते हो उसको, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को डायरेक्ट पासवर्ड मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया एंड उसके बाद आप लोगों ने ओके बटन पे क्लिक करना है और आपकी जो फाइल है भाई एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब एक्सट्रैक्ट हो चुकी है गाइज, उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू जो है फाइल देखने को मिलेगी, तो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कौन सी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर आ जाना है आप लोगों ने। सबसे ऊपर आने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक KMNS प्राइवेट बस मोड का एक फोल्डर बन चुका है। अब आप लोगों ने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब ओपन करोगे तो गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक फाइल देखने को मिल जाएगी, यही हमारी मोड की फाइल है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना है और यहां से इसको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों ने कॉपी पर क्लिक कर देना है। कॉपी पर क्लिक करोगे तो गाइस ऊपर आप लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे KMS रन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने एक बार क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक डिवाइस स्टोरेज की ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक बस सीट का फोल्डर देखने को मिलेगा। अगर ये फोल्डर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है तो आप लोगों ने सिंपल सा जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और अपने गेम को अपडेट कर लेना है, तो आप लोगों को ये फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अब बस सीट फोल्डर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मोड्स का एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद गाइस आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक पेस्ट का बटन होगा, ठीक है। तो जब से हमने कॉपी किया था ये, तब ये बटन बन जाता है। तो आप लोगों ने कॉपी पे क्लिक करके ये जो मैंने बताया कर लेना। उसके बाद गाइस इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो बस मोड है भाई ऐड हो जाएगा। और अब हम चलते हैं लाइब्रेरी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आप लोगों को डाउनलोड फोल्डर ओपन करना है और उसके अंदर गाइस आप लोगों को दो फाइल मिली थी, एक मोड की और एक लाइब्रेरी पैक की। देख सकते हो यहाँ पे ये लाइब्रेरी वाला फोल्डर है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं और यहाँ पे भी पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आप लोगों ने वही डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो पासवर्ड आप लोगों ने वही डालना है जो इस वीडियो में मिलेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब आप लोगों ने ओके बटन पे क्लिक करना है और आपका जो ये लाइब्रेरी पैक है ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसको ओपन करना है। और इसके अंदर गाइस आप लोगों को भाई 3 और 2 5 लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, मतलब कि 5 लाइब्रेरी आप लोगों को मिल जाती है। तो कोई सी भी लाइब्रेरी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, लाइब्रेरी को ऐड कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपनी गेम को ओपन करना है। तो चलिए गेम को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो हमारी गेम ओपन हो चुकी है और गाइज मैंने ये जो है पिकअप मोड ऐड कर रखी है। अगर आप लोगों ने पिकअप मोड ऐड करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, तो वो वीडियो देख के आप लोग इस मोड को ऐड कर सकते हो। अब गाइज हमें करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, देख सकते हो यहाँ पे एक गैरेज की ऑप्शन मिलेगी ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट करना है, उस बस को सिलेक्ट करना है जो आप लोगों ने अभी ऐड की है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमने ऐड करी थी ये बस नहीं है वो, तो हम उस बस को देख लेते हैं कहाँ पे है वो। तो आप लोगों को नेक्स्ट करते जाना है जब तक कि आपकी वो बस जो है आ नहीं जाती। देख सकते हो हमारी बस यहाँ पे आ चुकी है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कोई भी लाइब्रेरी लगी हुई नहीं है, तो हम लाइब्रेरी लगाएंगे। अब वो कैसे लगानी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है यूज़ का, ठीक है। यूज़ का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोगों को ऊपर कुछ 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, 3 ऑप्शन मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो हम बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज लाइब्रेरी का, ठीक है। देख सकते हो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इसको ओपन करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों ने फाइल मैनेजर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फाइल मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है
और उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक डाउनलोड का फोल्डर देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला डाउनलोड का एक फोल्डर है, इसको ओपन करना है। अब गाइज इसको ओपन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये फोल्डर देखने को मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला जो हमने लाइब्रेरी का फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था वो फोल्डर है ये, इसको ओपन करना है। अब गाइस ये ओपन हो चुका है और इसके अंदर गाइस आप लोगों को 5 लाइब्रेरी देखने को मिलती है, इनमें से आप लोग कोई भी एक लाइब्रेरी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। भाई लास्ट वाली सबसे बढ़िया लगी यार मेरे को तो, ठीक है लास्ट वाली लगाऊंगा मैं, 5वें नंबर पर जो है ना भाई, तो वही लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये लाइब्रेरी देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी है, बट अभी ये इसके ऊपर अभी लगी नहीं है भाई, हमें लगानी है इसको, ठीक है। लगाने के लिए गाइस आप लोगों ने करना क्या है भाई, देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, ये वाला ऑप्शन है अप्लाई का, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे या तो आप लोग 15 RP जो है यूज़ करके इसको लगा सकते हो, या फिर एक फ्री में ऐड देख के इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें कभी कभी बार प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं इसको नहीं लगाता, मैं 15 RP यूज़ करके इसको लगा लेता हूँ। 15 RP पे क्लिक किया और यहाँ पर ये मेरी लाइब्रेरी अभी यहाँ पर लग चुकी है, देख सकते हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई हमारी बस यहाँ पे रेडी हो चुकी है और आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट गाइस मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। एंड भाई अपने भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, इस ID आप लोग देख सकते हो साइड में दे रहा हूँ, और इस पर भाई फॉलो कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने फॉलो कर लेना। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर।